नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जलज। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक रहोगे। आज की इस खूबसूरत सुबह मैं पहुंच गया हूं ब्राजील के एक पोर्ट जिसका नाम है इतापोआ। तो स्वागत है आपका इतापुआ में, जो कि ब्राजील का एक पोर्ट है। तो दोस्तों, आपने देखा कि जब हम आ रहे थे कितने खूबसूरत नज़ारे थे। बस इन्हीं नज़ारों को देखते हुए मैंने सोच लिया कि आज मैं बाहर जाऊंगा। पर दोस्तों, बात ऐसी थी कि बाहर जाने के पहले मुझे मेरी ड्यूटी ख़त्म करनी थी, क्योंकि हमारा अराइवल सुबह हुआ था और मेरे ड्यूटी आज भी सुबह 8 to 12 होते हैं। इसीलिए मैंने शाम होने का इंतज़ार किया। शाम होते ही मैंने शटल बस बुलाई और मैं जहाँ पहुँचा बाहर। गेट से बाहर निकलते ही जो सबसे पहली चीज़ मैंने देखी वो थी मेरा शिप। द ह्यूज माइटी शिप वॉज इन राइट फ्रंट ऑफ मी, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हो गया। मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है मेरा जहाज और मेरा दरिया, उसे देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि मुझे इस जगह का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना ही कोई आइडिया कि कहाँ जाया जाता है और कैसे जाना चाहिए, क्योंकि मैं इस पोर्ट पे इस जगह पर बिल्कुल नया आया था। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इस जगह पर शाम की सैर करूँगा। बस फिर क्या था, मैं निकल पड़ा अपनी सैर पर और मैं जा पहुंचा दरिया के किनारे, जो कि बहुत करीब है यहाँ। दोस्तों, इस बीच मुझे एक बहुत अच्छा दोस्त मिला जिसने मेरी इस सैर में मेरा बहुत अच्छा साथ, और मैंने उसका नाम भी रख दिया साथी। वो इसीलिए क्योंकि उसने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया। आई होप आपको भी ये नाम अच्छा लगा। यहाँ पर सड़क के किनारे बहुत अच्छे घर थे और साथ ही बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स। रेस्टोरेंट्स इसीलिए क्योंकि यहाँ पे सी फूड बहुत अच्छा और फेमस है। जहाज पर काम करना और मौका मिलने पर बाहर आकर जमीन को अपने पैरों तले महसूस करना, सच बताता हूँ दोस्तों, ये एक्सपीरियंस वही बता सकता है जो बीच समंदर दरिया में काम करता है। इसका एक अपना ही मजा है। शाम ढलने को थी और वक्त हो चला था घर चलने का। जी हाँ, मेरा घर, मेरा शिप, जहाँ मैं अपने आप को बहुत महफूज समझता हूँ। सही मायनों में दोस्तों,
ये शाम मेरे लिए सच में बहुत यादगार थी। मैंने उम्मीद नहीं की थी मुझे इतना अच्छा लगेगा एक छोटी सी सैर के बाद। खैर, मुझे ऐसे घूमना और छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना अच्छा लगता है। इसने मुझे बहुत तरोताजा कर दिया है तब तक, जब तक अगली बार मैं किसी और जगह बाहर नहीं जाऊं। इसी के साथ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी मेरे साथ इतापुआ में शाम की सैर करके अच्छा जरूर लगा होगा। तो दोस्तों, आप सब अपना ख्याल रखिए, हम फिर मिलते हैं। आपका दोस्त जलज।